भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 14 महीने बाद T20 मैच में वापसी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उनकी कप्तानी इस मुकाबले में बेहतरीन रही। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से जीत कर हासिल करने के बाद टीम के कप्तान रोहित शर्मा टीम के प्रदर्शन से काफ़ी खुश हैं और उन्होंने इंटरव्यू में भी टीम का जबरदस्त तारीफ किया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बता दें कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के T20 में करीब 14 महीने बाद खेलते हुए दिखे, लेकिन इस मुकाबले में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले रन। हालांकि अभी रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में 2 और मौके हैं और अब देखना होगा कि उनके बल्ले से T20 फॉर्मेट में रन बनते या नहीं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम इस मैच में 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाने में सफल रही। वहीं 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 6 विकेट से मुकाबला जीत हासिल कर लिया और 1-0 की बढ़त बना दी। मोहाली के मैदान पर खेले गए मुकाबले में इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाने में कामयाब रही। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज रहानुमल्ला गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जदरान ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। इसके बाद टीम ने लगातार 3 विकेट मात्र 7 रन के अंतराल ही खो दिया, लेकिन ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने 27 गेंद में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। नबी ने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए, जबकि इसके अलावा नजीबुल ने 11 गेंदों में 19 रन बनाए। अफगानिस्तान टीम की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज रहानुमुल्ला गुरबाज 23 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि कप्तान इब्राहिम जादरा ने 25 रनों की शानदार पारी खेली। बता दें कि अफगानिस्तान की पारी में कुल 14 चौके और 6 छक्के लगे। वहीं टीम इंडिया की तरफ से मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेने में कामयाबी रहे थे। अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और 6 विकेट से मुकाबला जीता। टीम इंडिया की तरफ से ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे ने बेहतरीन पारी खेली और 60 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी ताबड़तोड़ 20 गेंदों में 31 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल 23 और तिलक वर्मा 26 रन बनाने में कामयाब रहे। वहीं टीम इंडिया की पारी में कुल 19 चौके और 3 छक्के लगे। और ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।